हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर ड्रिल के बारे में। इसमें हम जानने वाले हैं कि फायर ड्रिल यानी कि क्या होता है, फायर ड्रिल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंस होती है, फायर ड्रिल के जो है कितने टाइप्स होते हैं, फायर ड्रिल को कंडक्ट करने के क्या स्टेप्स है, फायर ड्रिल करते वक्त जो है क्या इवैक्यूएशन जो प्रोसीजर है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है मिलने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये फायर ड्रिल होता क्या है उसके बारे में। तो फायर ड्रिल जो है एक मेथड है प्रैक्टिस करने की, जैसे कि इनकेस अगर किसी बिल्डिंग में अगर आग लगी है तो उस बिल्डिंग से जो है कैसे इवैक्यूएट किया जाए, तो उसकी जो प्रैक्टिस की ये जो मेथड है उसे फायर ड्रिल कहा जाता है। फायर ड्रिल की मदद से इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए जो भी पार्टिसिपेंट्स रहेंगे तो उनको जो है यहाँ पर अच्छी तरह से प्रिपेयर किया जाता है, और जो भी रनिंग ड्रिल्स होती है तो उसके माध्यम से जो भी लोग हैं उनको यहाँ पर पता चलता है कि उनकी तरफ से जो है क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा और उनको जो है सेफली कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अब फायर ड्रिल के वक्त जो है वार्निंग सिग्नल्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आता है जैसे कि अनाउंसमेंट की जाती है, या फिर फायर अलार्म के जरिए जो है वार्निंग सिग्नल जो है वो दिया जाता है, या फिर स्ट्रोब्स के जरिए यानी कि फ्लैशिंग लाइट के जरिए। अब इसके रिस्पॉन्स में जो है हर एक जो व्यक्ति है उसको जो है यहाँ पर बिल्डिंग से जो है इवैक्यूएट किया जाएगा, वो भी फायर इवैक्यूएशन जो प्लान रहेगा उसके अकॉर्डिंग के अनुसार, और उस फायर इवैक्यूएशन प्लान को जो है पहले से ही जो है लोगों के बीच में जो है कम्युनिकेट किया जाएगा। समय से पहले अगर ड्रिल की अगर घोषणा की जाए तो उसकी वजह से जो भी घबराहट हो या फिर आपको अगर कोई डर लग रहा है तो उसको जो है यहाँ पर रोका जा सकता है, ताकि लोगों के बीच में जो है यहाँ पर जागरूकता आए और वो सहयोग के साथ में फायर ड्रिल की जो ये जो प्रक्रिया है उसको जो है यहाँ पर अच्छी तरह से जो है अभ्यास कर सके। चलिए अब जानते हैं कि ये जो फायर ड्रिल है ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है उसके बारे में। अब फायर ड्रिल को जो है खाली फायर के लिए जो है प्रिपेयर नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी वजह से जो है लोगों को यानी कि जो इम्प्लॉयज है उनको भी जो है यहाँ पर ट्रेन किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो और इन केस अगर ऑफिस में अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर कोई आग लग जाती है तो उस वक्त जो है ऑफिस को कैसे लीव किया जाए छोड़ा जाए, तो वो जो है आपको इस ड्रिल के माध्यम से जो है पता चलता है। इसके साथ साथ अगर कोई अगर पोटेंशियल अगर हजार्ड है तो आपने जो है कैसे इंगेज होना चाहिए इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ में, वो भी इस ड्रिल के माध्यम से पता चलता है। फिर उसके बाद है कि आपको एस्केप रूट्स क्या है वो जो है आपको पता चलता है, और इन केस इमरजेंसी में अगर आपको प्रीमाइसेस को अगर छोड़ना हो तो उस वक्त जो है आपको कहां जाना है वो भी आपको इस ड्रिल के माध्यम से पता चलता है। इसके साथ साथ अगर इमरजेंसी जो भी रिस्पॉन्डर्स है वो अगर अराइव हो जाते हैं तो उनकी जो है क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या एक्सपेक्ट वो करते हैं, तो वो भी जो है हमें यहां पर पता चलता है। तो इसकी वजह से जो है फायर ड्रिल जो है ये यहां पर काफी इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अब जानते हैं कि इस फायर ड्रिल के कितने टाइप्स है जो काफी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में। तो इसमें मोस्ट कॉमन जो टाइप्स है फायर ड्रिल्स के वो है रोल प्लेइंग और लाइव ड्रिल्स। तो रोल प्लेइंग जो ड्रिल्स है इसमें जो है एक टीम होती है, उसके साथ साथ में अदर जो ड्रिल्स पार्टिसिपेंट्स है वो भी होते हैं, और वो जो है एक कमरे में जो है बैठते हैं और रियलिस्टिक जो सिनारियो है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, और उसके एसोसिएटेड में जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उसके ऊपर भी जो है वो एक्ट करते हैं। फिर उसके बाद है लाइव ड्रिल। लाइव ड्रिल में क्या होता है कि एक टीम की जो है यहाँ पर प्रोसीजर जो है उसको टेस्ट किया जाता है, और इसमें जो है काफी कम जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो अवेयर होते हैं इस ड्रिल के बारे में। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर दो जो है कॉमन टाइप्स होते हैं फायर ड्रिल्स के, एक है रोल प्लेइंग ड्रिल्स जिसमें जो है रोल प्ले करते हैं, और दूसरा है लाइव ड्रिल्स। चलिए बात करते हैं कि फायर ड्रिल को कंडक्ट करने के क्या स्टेप्स है जो आपको पता होना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहली स्टेप है कि फायर ड्रिल को कंडक्ट करने से पहले आपको जो है एक इवैक्यूएशन प्लान जो है उसको प्रिपेयर करना काफी जरूरी होता है। फिर उसके बाद है कि ये जो इवैक्यूएशन प्लान जैसे ही आप प्रिपेयर करते हो तो इसको जो है आपको लोगों के बीच में जो है लाना है, और उसको जो है सभी को बताना है कि ये जो है ये इवैक्यूएशन प्लान है, यानी कि इसके जरिए जो है आपको इम्प्लॉयज को जो है यहाँ पर ट्रेन करना है। इम्प्लॉयज को ट्रेन करते वक्त जो है आपको सारी बातें का जो है यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि इम्प्लॉयज को जो है यहाँ पर इवैक्यूएशन प्लान के बारे में जो है पता होना चाहिए, और वो यहाँ पर वेल ट्रेन होने चाहिए इस प्रोसीजर को करने के लिए, यानी कि फायर ड्रिल की जो प्रोसीजर्स है उसको करने के लिए। जैसे ही इम्प्लॉयज जो है यहाँ पर तैयार हो जाते हैं, ट्रेन हो जाते हैं फायर ड्रिल को करने के लिए, फिर जो है आपको एडवांस में जो है इस फायर ड्रिल को जो है कम्युनिकेट करना है सभी लोगों के साथ में। फिर उसके बाद जो है इस चीज को जो है यानी कि फायर ड्रिल को जो है आपको रिहर्सल के तौर पर करना है कि ये इफेक्टिवली जो है कैसे होने वाली है।
फिर उसके बाद है कि आपको रैली पॉइंट का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। रैली पॉइंट यानी कि असेंबली पॉइंट का, यानी कि जब भी आप फायर ड्रिल करने वाले हो तो जब भी इवैक्यूएशंस करते हैं लोगों का, तो इवैक्यूएशन करते वक्त जो है वो जो लोग है यानी कि जो भी पर्संस वहां पर काम कर रहे हैं, तो उनको जो है कौन से रैली पॉइंट, कौन से असेंबली पॉइंट में जाना है, उसी बिल्डिंग के या फिर बिल्डिंग के आउटसाइड में, तो वैसे जो है रैली पॉइंट यानी कि असेंबली पॉइंट जो है आपको वहां पर बनाने होंगे। और फिर उसके बाद है कि आपको जो है यहाँ पर एक ऑब्जर्वर भी रखना होगा, यानी कि ये जो फायर ड्रिल की टोटल ये जो प्रोसेस रहने वाली है, तो इसमें जो है आपको एक ऑब्जर्वर या फिर दो ऑब्जर्वर को रखना होगा। उनका जो काम है वो वहां पर फायर ड्रिल में पार्टिसिपेट करना नहीं रहेगा, बल्कि फायर ड्रिल को जो है एक ऑब्जर्वर के तौर पर जो है वहां पर देखना रहेगा। जैसे कि फायर ड्रिल की शुरू से लेकर जो भी प्रोसीजर जो होने वाली है, तो उसमें जो है वो खाली ऑब्जर्वर का वहां पर काम करेंगे, मतलब वो देखेंगे कि फायर ड्रिल करते वक्त जो है यहां पर कौन सी कमी जो है वो रहने वाली है, और उस कमी को जो है बाद में जो है आप पूरा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है फायर ड्रिल को जो है कंडक्ट करने से पहले जो है ये सारी जो स्टेप्स है इसके बारे में जो है आपको पता होना काफी जरूरी है। अब आपको फायर ड्रिल को कैसे कंडक्ट करना है, उसकी क्या स्टेप्स है, उसके बारे में पता चल गया। चलिए अब जानते हैं कि इनकेस अगर आग लग जाती है तो उस वक्त जो है इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या रहने वाली है, जिसको आपको फॉलो करना काफी जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आपको ये पता चलता है किसी अलार्म के जरिए हो या फिर साउंड के जरिए हो कि यहां पर जो है इमरजेंसी हुई है, आग लगी है, तो उस वक्त जो है आपने पैनिक होना है। आपने जो है आप जो भी काम कर रहे हो उसको जो है सबसे पहले आपको रोक देना है। फिर उसके बाद जो भी आपका नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट रहेगा वहां पर जो है आपको प्रोसीड करना है। इस वक्त जो है आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है दौड़ना नहीं है, यहां पर जो है आपको फास्ट में जो है चलना है। और फिर उसके बाद है कि जो भी स्टेयरकेस है उसी का ही जो है आपको यहां पर इस्तेमाल करना है। एलिवेटर का जो है आपको यहां पर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। स्टेयरवेज का जो लेफ्ट साइड रहेगा उसी के साइड में जो है आपको चलते रहना है, और स्टेयरवेज का जो राइट साइड रहेगा उसको आपको छोड़ देना है जो भी लाइफ सेवर्स रहेंगे या फिर जो रेस्क्यू टीम रहेगी उनके लिए। फिर उसके बाद है कि आपको चलते वक्त जो है बात नहीं करना है। फिर उसके बाद है कि आपको फर्स्ट प्रिफरेंस यानी कि जो प्रायोरिटी है वो देनी है फिजिकली जो भी चैलेंज रहेंगे या फिर एक्सपेक्टेंट जो भी मदर्स रहेगी या फिर जो भी एल्डरली रहेंगे, तो उनको जो है आपको सबसे पहले प्रिफरेंस देना है, उनको जो है आपको आगे जाने की परमिशन देनी है, यानी कि वो जो है सबसे पहले आपके आगे जाएंगे। फिर उसके बाद है कि सेफ असेंबली जो पॉइंट रहेगा वहां पर जो है आपको प्रोसीड करना है। फिर उसके बाद है कि जैसे ही आप सेफ असेंबली पॉइंट में पहुंच जाते हो तो दोबारा आपको उस बिल्डिंग में जो है री इंटर नहीं करना है जब तक आपको उस बिल्डिंग के अंदर जाने का सिग्नल नहीं मिलता है तब तक। और ये जो इवैक्यूएशन प्रोसीजर रहेगी इसका जो मैक्सिमम टाइम रहने वाला है वो रहेगा 2.5 से लेकर 3 मिनट तक, यानी कि इसी के बीच में जो है आपको यहां पर उस बिल्डिंग से जो है इवैक्यूएट होना है जहां पर आग लगी है और जो सेफ असेंबली पॉइंट है वहां पर पहुंचना है। तो इस तरीके से जो है ये इवैक्यूएशन प्रोसीजर है जिसको जो है आपको फायर के इमरजेंसी के वक्त जो है फॉलो करना काफी जरूरी है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा फायर ड्रिल के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।